क्या आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और अभी तक रात में बिस्तर गीला करता है या बेड वेटिंग करता है, या फिर इससे भी ज़्यादा एज हो चुकी है आपकी बेबी की और अभी तक वो बिस्तर गीला करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाए देन फिर भी वो बेड वेटिंग करता है या रात में बिस्तर गीला करता है, तो हम क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सी राइट एज होती है जहां तक बच्चा सुसु कर मतलब रात को सुसु करना छोड़ चुका होता है, मतलब वो अच्छे से सुसु ट्रेन हो चुका होता है, किस एज तक। तो नॉर्मली जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो 5 साल की एज तक सुसु ट्रेन हो चुके होते हैं और वो 5 साल तक एज में रात को सुसु करना बंद कर चुके होते हैं, मतलब वो अच्छे से रात में रात भर सोते हैं या उनको सुसु आता है तो वो उठ के सुसु कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली 5 साल की एज तक ज्यादातर बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, कई तो 12 साल तक बच्चे रात में सुसु करते हैं। तो ये क्या नॉर्मल है और क्या हमें इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? क्या कमियां हैं हमारी जिस वजह से ये कर रहा है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से बच्चा रात में सुसु कर रहा है? तो आज हम ये सब जानेंगे। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है? जब तक हम किसी चीज़ के कारण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसका सोल्यूशन भी कुछ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर बच्चा सुसु कर रहा है, रात में बिस्तर गीला कर रहा है, तो उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि बच्चा सही से सुसु ट्रेन ही नहीं है, मतलब बच्चे को सही से सुसु ट्रेन ही नहीं किया गया है, उसे बताया ही नहीं गया है कि किस तरह से रात में सुसु नहीं करते हैं, जब सुसु आता है तो कब बाथरूम में जाते हैं। तो बच्चे को सही से सुसु ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसी कारण बच्चा रात में सुसु करता है। सेकेंड रीज़न होता है कि जो उसका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से भी बच्चा रात में सुसु कर देता है। थर्ड आता है कि जो उसका यूरिनरी ब्लैडर है उसकी से जो नसें निकलती है वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो सुसु होल्ड नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा रात में सुसु करता है। उसके बाद आता है कि बच्चे को कोई संक्रमण, मतलब उसे यूटीआई तो नहीं हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो अगर उसे मतलब सुसु की जगह अगर उसे इन्फेक्शन हो गया है तो भी बच्चा रात में सुसु कर सकता है, गीला कर सकता है। फोर्थ आता है कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं है, देन आता है कि उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसका थायराइड हार्मोन तो नहीं बढ़ा हुआ है, या फिर स्लिप एपनिया तो नहीं हो गया है, या बच्चा डर के कारण, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने सुसु किया हो, देन इस कारण वो जीन्स के थ्रू अगर बच्चा भी उसी तरीके से रात में सुसु करता है तो ये माँ बाप के थ्रू भी हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा रात में सुसु ज़्यादातर कर देते हैं, रात को गीला कर देते हैं। तो अब हमें ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से हम ये सब समस्या से छुटकारा पा सके? तो अब हमने कारण जान लिए। तो सबसे पहला कारण क्या था कि हमने सुसु अगर सही से ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बच्चे को सुसु की सही से ट्रेनिंग देंगे। अगर हमारी कोई गलतियां हैं तो हमें वो समझनी चाहिए। जब हम न्यू मॉम होती तो हमें पता नहीं होता है कि क्या कैसे क्या करना होता है। तो अब हम आते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप बच्चे का जो लिक्विड इनटेक है उसका जो भाग है वो अलग डिवाइड कर दीजिए, मतलब सुबह उसकी पानी ज़्यादा, देन दिन में भी पानी ज़्यादा, लेकिन शाम होते होते उसका पानी का इनटेक काफ़ी कम कर दीजिए, क्योंकि जब रात में वो पानी कम पिएगा तो रात में सुसु करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। तो आप ट्राई करें कि आप शाम के टाइम बच्चे को कम से कम पानी दें। जैसे मेरा बेटा था तो जब मुझे सिखाना था उसे रात को सुसु ना करना, तो मैं उसको शाम को जल्दी खाना खिला देती थी और उसके बाद पानी नहीं पिलाती, मतलब एक बार उसने पानी पी लिया खाना खाने के बाद, देन मैं उसको पानी नहीं पिलाती थी। अगर वो मांगता था तो ही मैं उसे पानी पिलाती थी, अदरवाइज मैं उसे पानी नहीं देती थी। तो अगर आप बच्चे को खाना खाने के बाद एक बार पानी पिला दीजिए, देन उसके 2 घंटे बाद उसको जैसे आप जब भी आप बच्चे को सुलाने वाले हो तो उसके 2-3 घंटे पहले ही आप बच्चे को खाना खिला दीजिए, देन उसको पानी पिला दीजिए, फिर वो अच्छे से खेल खेल ले, उसके बाद उसको आराम से सुसु कराइए, देन उसको सोने भेजिए। तो मतलब उसको सुसु कराइए जब भी उसको आप सुलाने, वैसे अदरवाइज सारी मॉम्स यही करती है कि जब बच्चे को सुलाती है देन उसके पहले उसको सुसु करवाती है, लेकिन क्या होता है कि वो हाथों हाथ उसके पहले खाना खिलाती है, उसके पहले पानी पिलाती है। तो आप ट्राई करें कि आप कम से कम जब भी आप बच्चों को सुलाने वाले हो उसके 2-3 घंटे पहले उसको खाना और पानी अच्छे से खाना पिला के पानी पिला के, देन 2-3 घंटे बाद आप उसको सुसु करा के देन उसे सुलाइए। तो वो क्या दो तीन घंटे पहले अगर वो पानी पिएगा तो वो सुसु कर देगा और देन रात में आराम से वो सो सकता है।
आता है कि जब बच्चा सो जाए उसके बाद आप 2-3 घंटे का अलार्म लगाइए, देन उठिए। आपको रोजाना उठना पड़ेगा, जब तक बच्चा खुद बोलना स्टार्ट ना करे। तो आप उठिए, बच्चे को सुसु कराइए, देन उसको रात को सुला दीजिए। और जब भी आप बच्चे को सुसु कराइए उसको बोलिए कि अच्छे से सुसु करे, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा सुसु करके रुक जाते हैं, देन वो बिस्तर में सुसु कर देते हैं। तो आप बच्चे को एक बार करने के बाद दोबारा फिर बोलिए कि आप दोबारा फिर सुसु करो। तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चे ने आधा अधूरा सुसु किया होगा तो वो पूरा सुसु कर लेगा, जिससे कि भी रात में बेड वेटिंग नहीं होगी। जब भी आप बच्चे को रात में सुसु करने के लिए उठाए तब आप जरूर से उसको पूरी नींद खोले, मतलब उसको नींदों में सुसु कराने कभी ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप उसे नींदों में सुसु कराने ले जाएंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जब भी आप 2-3 घंटे बाद बच्चे को उठाए तब अच्छे से उसको नींद से खुल जाए, देन उसको सुसु कराए, ताकि उसको समझ आए कि मम्मा रात में उठा के मुझे सुसु करा रही है। थर्ड आता है कि जैसे बच्चा नॉर्मली 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, तो आप कोशिश करो कि आप उसको 1 घंटे पहले उठा के उसे सुसु करा के फिर सुला दो। क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चों को सुबह सुबह सुसु आता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो नींद के चक्कर में फिर वो सुबह सुबह ही सुसु कर देते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप जब बच्चा सो के उठने लगे, जैसे कि वो 7 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, तो आप उसके 1 घंटे पहले उसको उठाओ, उसको सुसु कराओ, देन उसको सुला दो, तो भी आप इस समस्या से छुटकारा पालोगे। तो आप ये डेली करोगे ना, देन बच्चे को भी आदत होती जाएगी कि हाँ मुझे डेली सुसु करना है उठ के रात में, और आप डेली उसे रात में उठाओ। क्योंकि जब बच्चे डेली उठने लग जाएंगे तो फिर बच्चों की ऑटोमेटिक आदत हो जाएगी, वो फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद उठ के बोलेगा कि, और उसकी ऑटोमेटिक उस टाइम पे नींद खुल जाएगी। तो इसकी वजह से भी आप, मतलब आप जब ये करोगे तो बच्चा धीरे धीरे उठने लग जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हम रूटीन बनाते हैं बच्चे उसको अच्छे से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर जिस रात को बच्चा सुसु रात में कर दे, मान लो बाय चांस कभी बच्चे को एक्सीडेंटली सुसु आ गया, जैसे मान लो आप उठाने वाले हो उसकी थोड़ी देर पहले उसे सुसु आ गया है, तो आप उसे प्रॉपर नींद से जगाइए, देन बेडशीट चेंज कीजिए, देन उसके कपड़े चेंज कीजिए, देन उसको अच्छे से क्लीन कीजिए पानी से, देन बच्चे को बताइए कि बेटा अगर आप यहाँ सुसु नहीं करोगे तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमें बच्चे से बात करनी चाहिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि बच्चा अगर आप यहाँ नहीं करोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर बच्चे को साफ नहीं करोगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि नहीं है अभी तक, फिर उसकी वजह से फिर वो करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बच्चे को रात में ही अच्छे से साफ करके देन सुलाएं, और बच्चे को बताएं कि बेटा अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम इतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, जब उसकी नींद खुलेगी तब उसे समझ आएगा, देन वो ट्राई करेगा कि वो जैसे उसको बाथरूम या सुसु आए देन वो सीधा बता दे आपको कि मम्मा मुझे सुसु आई है। नेक्स्ट आता है कि कोई रातें ऐसी भी निकलेगी जिस दिन वो सुसु बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो आप बच्चे को इंकरेज करें, उसको रिवॉर्ड दे, उसको बताएं कि बेटा आपने नहीं किया है, आप तो बहुत गुड बॉय हो, उसको खुश करें, उसको रिवॉर्ड दे जिससे कि वो बहुत खुश हो। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस रात बच्चा ना करे उस रात बच्चे को खुश करें। जब आप ये सब चीज़ें अपनाएंगे देन आपकी, मतलब 90% तो ऐसा होगा कि आपको इसमें सफलता मिल जाएगी और आपका बेबी रात में सुसु करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपकी बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये सब चीज़ें तो करने के साथ साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने आपके कारण में बताया था कि उसे डायबिटीज़ हो सकती है, उसे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे उसके थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ हो सकता है, या फिर उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे की, या फिर उसका जो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ हो, तो ये कुछ भी कारण हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन डॉक्टर उसके सारे चेकअप करेंगे, देन अल्ट्रासाउंड होगा, MRI हुआ, तो उसके सारे चेकअप करेगा, देन आपको डॉक्टर बताएगा कि असली रीज़न क्या है जिसकी वजह से बच्चा सुसु करना नहीं सीख पा रहा। क्योंकि अब आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आपने पूरा 100% दिया है उसको सुसु ट्रेन कराने के लिए, उसका सब कुछ किया है। अगर उसे डर लगता है तो आपने उसको कंसल्ट किया है कि बच्चा अगर आपको डर लगता है तो आप बताइए हमें। तो बच्चे को डर लगता हो, ऐसा भी हो सकता है, तो बच्चे का डर वाला भी आपने बता दे कि आप बच्चे का जा रहे हो तो बच्चों को क्यों डर लगेगा। तो आपने अपना पूरा 100% दे दिया है इस वाले लिस्ट में, तो देन आप डॉक्टर की बारी है, डॉक्टर आपको बता देंगे कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बता देंगे, अगर नहीं है तो आप इन चीज़ों पर कंटिन्यू रहिए, आपको ज़रूर से इसमें सफलता मिलेगी। तो डॉक्टर जब ये चेकअप कर लेंगे तो फिर डॉक्टर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी वजह से रात में बच्चे को सुसु कम बनता है, देन वो आपको कोई एक्सरसाइजेस कराने के लिए बोलेंगे बच्चे को, जिससे कि जो उसकी होल्ड की जो उसकी पावर है या उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ सके। जब भी बच्चे को सुसु आएगा तो आप बोलोगे कि उसे थोड़ी देर रुकवाएं, एक मतलब 30 सेकेंड 1 मिनट उसे रुकवाएं, देन उसको सुसु करने जाने दें। देन डॉक्टर बोलेंगे कि आप उसके लिए मतलब पूरा नोट करें कि बच्चा कितनी बार सुसु करता है,
और कितनी बार गीला करता है, कब कब सुसु करता है, जब आप उसके पैटर्न समझ लेंगे, क्योंकि हम भी एक पैटर्न में ही सुसु करते हैं, तो उसके लिए एक यूरिन के लिए अगर आप डायरी बना देंगे जिसमें लिखेंगे कि आप बच्चे ने कब सुसु किया है, कब कितना पानी पिया और कब कितना सुसु किया, जब आप ये पूरा ट्रैक रख के अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा आपके बच्चे की जो रात की सुसु की प्रॉब्लम है उसको छुड़ाने में। देन डॉक्टर आपको एक स्लीप वेटिंग अलार्म बोलते हैं, आई थिंक वेटिंग अलार्म भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वो यूज़ करें। उसमें कोई सेंसर होता है जो कि पजामे या अंडरवे के अंदर लगा दिया जाता है, और देन जब भी थोड़ा सुसु मतलब गीला होता है देन वो अलार्म बजता है, तो अगर थोड़ा सा सुसु होते है, अगर बच्चा जग जाएगा तो बाकी जितना भी सुसु है वो मतलब बाथरूम में जाके कर सकता है, और अगर बाई चांस कभी आ भी जाए तो कम से कम वो रात में उठ के चेंज कर सकता है, बेडशीट चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसे अगर यूरिन इन्फेक्शन नहीं है तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उससे रैशेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इनसे भी बच्चा बच सकेगा। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा आपकी बातों को समझेंगे, क्योंकि हम उसे बच्चा समझ के हम उनसे बात नहीं करते हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से बात करेंगे तो बच्चा ज़रूर से हमारी बात को समझेगा, और वो भी कोशिश करेगा कि वो इस चीज़ से जल्दी छुटकारा पा जाए। उसे आप अच्छे से समझाइए कि बेटा अब आपकी एज बड़ी हो चुकी है, आपसे सब छोटे बच्चे सब रात में सुसु नहीं करते हैं, हम आप रात में सुसु करते हो इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो बच्चा ऑटोमेटिक इन चीज़ों को समझेगा, क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो आप अगर बच्चे अपने बच्चे से बात करेंगे तो आपका बच्चा खुद आपकी हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपकी बेबी को ये प्रॉब्लम है तो आप ये सब चीज़ें करके देखिए, आपको डेफिनेटली ज़रूर हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।